Let I be the set of all matrices whose entries are 2L, 2M, 2N, and 2K, where L, M, and K belong to Z. Check whether I is an ideal of the ring R. The set of all matrices whose entries are A, B, C, and D, where A, B, C, D belong to Z. तो हमें यहाँ चेक करना है कि आई आर का एक आइडियल है या नहीं है। तो आई आर का आइडियल तभी होगा जब आई आर का एक सबसेट होगा आई के कोई दो एलिमेंट ए और बी के लिए ए माइनस बी आई से बिलोंग करे, उसके बाद जाकर के आई का कोई एक एलिमेंट आर का कोई एक एलिमेंट दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वह आई से ही बिलोंग करना चाहिए, तब हम कहेंगे कि आई आर का एक आइडियल है। तो चलिए इसे वन बाय वन चेक करते हैं। सबसे पहले तो हम दिखा देते हैं कि आई आर का एक सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट है, यह क्लियर है कि यह एक नॉन एम्प्टी सेट होगा। और उसके बाद इसमें जितने भी एलिमेंट हैं वे क्या हैं, इंटीजर ही हैं, ठीक है। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि आई जो है आर का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। यहाँ लिखेंगे सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ आई इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ आर सो आई इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। अब यहाँ पर हम दिखाएंगे कि आई के कोई भी दो एलिमेंट ए और बी अगर हम लेते हैं तो उसका डिफरेंस भी आई से बिलोंग करता है। हम यहाँ पर ले लेते हैं दो एलिमेंट के रूप में, यहाँ 2L1, 2M1, 2N1, 2K1, ये पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट 2L2, 2M2, 2N2, 2K2, ठीक है। यहाँ पर जहाँ L1, M1, N1, K1, L2, M2, N2, K2 क्या है, ये सभी इंटीजर्स हैं। यहाँ दिखा देते हैं वेयर L1, M1, N1, K1, L2, M2, N2, K2 belong to Z। उस स्थिति में हमें क्या प्राप्त होगा, 2L1 माइनस 2L2, तो हम यहाँ पर 2 कॉमन निकाल लेंगे, L1 माइनस L2। इसी तरह से यहाँ पर 2M1 माइनस 2M2, 2 कॉमन निकाल लेंगे तो M1 माइनस M2, 2N1 माइनस 2N2, 2 कॉमन निकाल लेंगे तो N1 माइनस N2, 2K1 माइनस 2K2, यहाँ 2 कॉमन निकाल लेंगे K1 माइनस K2, तो यहाँ पर इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर ही होगा, ठीक है। तो 2 इंटू इंटीजर, आई में क्या है जितने भी एंट्रीज हैं मैट्रिक्स में सभी क्या हैं, 2 के मल्टीपल हैं, तो यहाँ पर भी हमें 2 का मल्टीपल मिल रहा है, इसलिए किससे बिलोंग करता है, आई से बिलोंग करता है। दूसरा कंडीशन पूरा हो गया। अब तीसरे कंडीशन को देखते हैं कि आई का कोई एक एलिमेंट ए ले लेते हैं और आर का कोई एक एलिमेंट आर ले लेते हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट हमें आई से बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पर हम आई का एक एलिमेंट इसे ही ले लेते हैं, 2L1, 2M1, 2N1, 2K1 into आर का एक एलिमेंट ले लेते हैं A1, B1, C1, D1, जहाँ पर कि ये दोनों क्या है, ये L1, M1, N1, K1, A1, B1, C1, D1 ये सभी Z है, where L1, M1, N1, K1, A1, B1, C1, D1 belong to Z। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 2L1 A1, 2L1 A1 प्लस 2M1 C1, इसी तरह से 2N1 A1
प्लस टू टू के वन सी वन, फिर टू एल वन बी वन प्लस टू एम वन डी वन, फिर प्लस टू एन वन बी वन प्लस टू के वन डी वन। तो यहाँ पर भी हमें दो कॉमन निकल जाएगा, एल वन ए वन प्लस एम वन सी वन, यहाँ टू कॉमन निकलेगा एन वन ए वन प्लस प्लस के वन सी वन, यहाँ भी टू कॉमन निकल जाएगा एल वन बी वन प्लस एम वन डी वन, यहाँ भी एन वन बी वन प्लस के वन डी वन। तो हम देख रहे हैं कि ये एल वन ए वन प्लस एम वन सी वन ये भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा, और इंटीजर इनटू यहाँ पर क्या है टू, मतलब यह भी जो है हमें आई के एलिमेंट जिसमें कि प्रत्येक एंट्री जो है क्या है टू का मल्टीपल है, यहाँ पर भी हमें इंटीजर इंटू टू यानी टू का मल्टीपल के रूप में हमें जितने भी एंट्रीज हैं प्राप्त हुए हैं, इसलिए ये भी किससे बिलोंग करता है, आई से बिलोंग करता है। तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस हैंस आई इज एन आइडियल ऑफ आर, हमें तीन कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, वे तीनों ही यहाँ फुलफिल हो रहे हैं। पहला कि आई को आर का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, उसके बाद जा करके आई के कोई भी दो एलिमेंट ए और बी लें तो उसका डिफरेंस भी आई से बिलोंग करना चाहिए, और उसके बाद आई का कोई एक एलिमेंट और आर का कोई एक एलिमेंट लें दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो भी आई से बिलोंग करना चाहिए। इस तरह से तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे आई आर का एक आइडियल है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।